दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जिसमें से एक ग्रुप को शिया कहा जाता है तो दूसरे ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप पूरी दुनिया की आबादी का 80% है, तो वही दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% है। अब जाहिर है, जब सुन्नियों की आबादी ज्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भी ज्यादातर सुन्नी मुस्लिमों के ही है, मगर दूसरी तरफ इराक, ईरान, यमन और इस जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी है। पर्टिकुलर अगर बात करूं हमारे प्यारे देश भारत की, तो यहां पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86-87% सुन्नी मुस्लिम है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 13-14% ही शिया मुसलमान है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों ही ग्रुप के अंदर एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ और अफवाहें पाई जाती है कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजों पर यकीन रखते हैं कि जिसको सुनकर ना सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से सुन्नी ग्रुप के आम लोगों के बीच में भी आप लोगों को शिया मुसलमानों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अफवाहें नजर आएंगी कि जिन पर वो लोग यकीन रखते हैं, मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, बल्कि वो तो सुनने में ही फनी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलत फहमियाँ पाई जाती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है, बल्कि फर्क नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। और फर्क के साथ ही, यानी फर्क की वजह से ही इतिहास में ये दोनों ग्रुप अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई ग्रुप हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फर्क पाए जाते हैं उनमें एक सबसे बड़ा फर्क कलमे को लेकर है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो वहीं दूसरे तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह अली वली अल्लाह वसीउल्लाह रसूलल्लाह व खलील फतुहा बिला फसल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जनाब अली अल्लाह के वली है, रसूल अल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिल्ला फसल है। यानी दोस्तों, शिया मुसलमानों के कलमे में आप लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हजरत अली का भी जिक्र मिलेगा। मगर दोस्तों, याद रहे कि शिया मुसलमानों के कलमे का ये जो आखिरी पार्ट है जिसमे ये कहा गया है कि हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा है बिल्ला फसल, यानी बिल्ला किसी फसल के, तो इस पर शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी एग्री नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं, तो वही दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हजरत अली से भी पहले तीन खलीफाओं को मानते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, जबकि दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान और चौथे खलीफा हजरत अली थे। बात करें अगर कुरान के बारे में कि क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग है या फिर एक ही है, तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग अरबिक के हिसाब से देखेंगे तो कुरान दोनों का एक ही है। अगर तर्जुमे को देखेंगे यानी ट्रांसलेशन को और उसकी तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो मामला पूरी तरह से अलग है। यानी एक आयत का तर्जुमा शिया मुसलमानों ने अलग तरह से किया होगा जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरह से कर रखा होगा, और तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर आयतों का कॉन्टेक्स्ट ही बदला हुआ नजर आएगा। बात करें अब नमाज के बारे में, तो दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दिन में 5 फर्ज नमाज को अदा किया जाता है,
मगर जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान पांचों नमाज को अलग अलग अदा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी ही नमाजों को तीन वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमजान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों में जो तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको सुन्नी मुसलमान बड़े शौक से पढ़ते हैं, और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है, तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चा करने लगते हैं। ये सारी चीज शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती, क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक एक ऐसी बिदअत है कि जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने शुरू किया था। उसके अलावा इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक बड़ा फर्क हजरत इमाम मेहंदी को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के ही मुसलमान यकीन रखते हैं कि दरअसल हजरत इमाम मेहंदी जो कि आखिरी खलीफा होंगे, वो कयामत से पहले जाहिर होंगे। हमारी दुनिया से जुल्म सितम, नाइंसाफी और इस तरह की हर गलत चीज को मिटा कर रख देंगे। उसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और अपनी एक खिलाफत भी कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहंदी कयामत से पहले पैदा होंगे, बाकायदा वो परवरिश पाएंगे, बड़े होंगे और फिर सही वक्त आने पर ही लोगों के सामने एज अ इमाम मेहंदी यानी इमाम मेहंदी के तौर पर जाहिर होंगे, और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत कायम करेंगे। मगर दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का ये मानना है कि कयामत के करीब के दौर में हजरत इमाम मेहंदी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारी दुनिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी इस दुनिया में ही मौजूद है, लेकिन हम लोगों को नजर नहीं आते हैं। वो एक गार के अंदर महफूज है और सही वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ जाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे बल्कि सिर्फ जाहिर होंगे, और उसके बाद ही दुनिया भर में अपनी खिलाफत कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी ग्रुप्स के बीच एक बड़ा खिलाफत हजरत अली को लेकर भी पाया जाता है। शिया लोगों का ये मानना है कि हजरत अली सेरे खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी और रसूल है उनसे भी ज्यादा अफजल है, जबकि सुन्नी मुसलमान इस नजरिए और अकीदे को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। सुन्नी मुसलमान हजरत अली शेरे खुदा को दमादे रसूल और इस्लाम के खलीफा के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। मुहर्रम के मौके पर मातम करना भी शिया ग्रुप को सुन्नी ग्रुप से पूरी तरह से अलग बनाता है, क्योंकि शिया मुसलमानों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में यानी करबला की जंग में अहले बैत के साथ जोहर से ज्यादा मुनासिब सुलूक किया गया था, उसकी याद में ही और उसके गम में ही वो लोग मातम मनाते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं, अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक कॉन्सेप्ट भी इन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह से सुन्नी मुसलमानों में निकाह के वक्त गवाहों का होना जरूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह से शिया लोगों में तलाक के वक्त भी गवाहों का होना जरूरी होता है, यानी शिया ग्रुप में गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेज और इस्लामिक हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।